क्या असर रह गया यार, माफिया है आप लोगों ने इसको इतना हाई फाई बना दिया मीडिया ने चलाकर। कोई धर्मात्मा थोड़े था मुख्तार अंसारी, माफिया था। और मृत्यु सबकी आती है, हार्ट अटैक से आई, हमारी भी आ सकती है, आपकी भी आ सकती है। उसको बताया गया कि जहर दिया गया, तो यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गई, विसरा रिपोर्ट में आ गई कि हार्ट अटैक से मरा है। तो उसको मुद्दा बनावे वो जिनको उसकी ज़रूरत हो, जिनको चौधरी कल बोले कि असर रहेगा लोग मुसलमान। हाँ असर तो इन लोगों को रहेगा ना। अभी अभी उनके भाई ने कहा है अफजाल अंसारी ने कि जो देश के लिए शहीद हुए अशफाकउल्लाह, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, राजगुरु जी, इन लोगों का नाम लेकर कहा कि ये लोग देश के लिए आज़ाद हुए। उसी तरह मुख्तार अंसारी भी आज़ाद देश के लिए शहीद हुए, मुख्तार अंसारी भी उसी तरह शहीद हुआ। तो जिनको इतनी भी ज्ञान नहीं है कि उन शहीदों की तुलना एक माफिया से कर रहे हैं, ऐसे लोगों की क्या बात करना है। असर नहीं रहेगा, वही असर नहीं है भाई, किस चीज़ का असर रहेगा। एक दिन आना जाना सबको है, मुख्तार अंसारी भी गए और वो माफिया थे, कोई महात्मा नहीं थे ना कोई धर्मगुरु थे कि उनको लेकर इतनी बड़ी बात की जाए और इतना उनके बारे में चर्चा की जाए। मुख्तार अंसारी के माफिया थे, उनके बेटे अब्बास अंसारी जो सुभाषपा से विधायक, इस चीज़ को कैसे नहीं, सुभाषपा से विधायक नहीं है, उनको कई बार ओम प्रकाश जी ने उनको बता दिया कि यह सपा से हमारा गठबंधन था, तो सपा ने वो सीट जो है अपने लिए मांगी थी, सिंबल केवल मेरा था, सीट वो सपा की थी, वो सपा के विधायक हैं। और कई मंचों पर प्रकाश राज भी बोल चुके हैं कि वो माफिया नहीं थे, मुख्तार अंसारी माफिया थे। आपने सुना हो? कभी कभी मैंने सुना नहीं है, और कभी कभी हो जाता है मंचों से कोई बात कह देता है आदमी, चुनाव का समय है अपनी बात बनाने के लिए, सभी लोग कहते हैं, कह दिए होंगे, इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन माफिया को माफिया ही कहेंगे, मसीहा नहीं। क्या माहौल एकदम बढ़िया है, और सीट हम लोग जीत रहे हैं। जो वो पार्टी का नारा है उत्तर प्रदेश में 80 की 80, अब की बार 400 पार, वो पूरा होने जा रहा है। क्या किसे चुनौती है घोषित? चुनौती तो कोई नहीं, भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, और यह चुनाव जो है हम लोग अच्छे अंतरों से जीत रहे हैं, और जनता ने मन बना लिया है योगी जी के, मोदी जी के काम पर, और भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यह सबके प्रयास से, सबका प्रयास भी उसमें जुड़ा हुआ है। बयान चुनाव में होते रहते हैं, लोग देते रहते हैं, अखिलेश जी नहीं देते हैं, वो तो होता रहता है चुनाव के समय, तो कुछ न कुछ आदमी बोलता है अपनी बात बनाने के लिए, तो चलता रहता है, लेकिन जनता कार्यों पर विश्वास करती है, और जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा कार्य किया गया है उस पर विश्वास करती है, और यह अब की बार मान लिया है कि घोसी में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान छड़ी है, और छड़ी पर देना है, जनता ने मन बना लिया है। राजीव राठौर अरे भाई, राजीव कह रहे हैं, तुमको लग रहा है जो ही लड़ता है हम ही चुनाव लड़ेंगे, जाएंगे जिनके पास जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप वही के साथ हैं हम, वो तो आप लोगों को पता चलेगा ना कि स्थितियाँ क्या है, तीसरा बताएगा, प्रत्याशी को नहीं जानकारी हो पाती है, वो जहाँ जाएगा लोग हाथों हाथ लेते हैं कि नहीं भाई हम तो आप ही के साथ हैं, तो राजीव राजी को भी ऐसा लग रहा होगा कि सारे लोग हमारे साथ हैं, लेकिन पता है कि स्थिति सपा की क्या है और भाजपा की क्या स्थितियाँ चल रही है। सबको 100% जाएंगे भाजपा के साथ, राजपूत राजपूत ही नहीं, पहली बात की जातिवाद की राजनीति नहीं करते हम लोग, न पार्टी करती है, यह सबका साथ सबका विकास। जितनी सरकार की योजनाएं आए हैं आप लोगों ने भी देखा है, एक योजना ऐसी बता दीजिए कि जिसमें किसी व्यक्तिगत लेकर किया गया हो कि नहीं हमारे वोटर हैं, हमारे वोटर नहीं हैं, इनको न दिया जाए, हमारे वोटर इनको दिया जाए, जितनी भी योजनाएँ आती हैं सबको चलती है, तो कभी कहीं जाति बात की बात नहीं, सारे वर्ग के सारे धर्म के लोग एक साथ हैं, इसमें भाजपा के साथ।